Hi guys, welcome back to my channel Sanjeev Bajaj represents Learn How to Learn. So, learners, today we will be starting with the class 9 chapter number 1, which is The Lost Child. This story is written by Mulk Raj Anand. So, we will be reading about a child who was lost in a mela or a fate. So, in this story is what is फ़ैमिली होती है जो स्प्रिंग के एक फेस्टिवल में एक गांव में एंटर कर रही होती है वहां पे मेला देखने के लिए तो जो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है जो चाइल्ड है उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है उसके पेरेंट्स से कि किसी भी चीज़ को देखकर फैसिनेट तो हो लेना लेकिन उस चीज को मांगने की कोई उम्मीद मत रखना या फिर उसको हम ले दें ऐसा तुम सोचना मत लेकिन देखते हैं कि चाइल्ड फैसिनेट होता है उसे कुछ मिलता है या नहीं सो लेट्स गेट इन सो जब चाइल्ड चल रहा होता है जब विलेज के रास्ते में तो उसे बड़ी सारी चीजों से फैसिनेशन होती है सबसे पहले वो एक दुकान देखता है जहाँ जो भरी हुई है टॉयज से उसको टॉयज से फैसिनेशन होती है लेकिन जब उस वो बोलता है कि मम्मा पापा कैन आई गेट दिस सो तब उसके पापा जो हैं वो थोड़ा रेड आइड से उसे देखते हैं मतलब थोड़े गुस्से से देखते हैं उसे लेकिन जो मम्मा है वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कहती हैं कि देखो ये मस्टर्ड फील कितना सुंदर है तो उस चाइल्ड का जो ध्यान है वो टॉयज से हटकर कर कहा आ जाता है मस्टर्ड फील्ड पर तो जब वो उसका ध्यान मस्टर्ड फील्ड पे आ जाता है और वो वहाँ पर ड्रैगन को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा होता है वो कोशिश करता है कि एक ड्रैगन फ्लाई मेरे हाथ में आ जाए तो वो कोशिश करता है एक उसके हाथ में आने लगी होती है कि उसके मम्मी पापा उसे बुला लेते हैं कि फुटपाथ पे चलो तो जब वो फ़ुटपाथ पे चल रहा होता है तो उसे अट्रैक्शन होती है वॉम्स से तो वो अट्रैक्ट होता है वॉम्स से तो वो उन्हें फॉलो करता करता रहता है चाइल्ड और फुटपाथ पे चलता रहता है तो जब उसके जब वो एट्रैक्ट हो रहा होता है और आगे वो चला जा रहा होता है तो उसके मम्मा की आवाज़ आती है बेटा इधर आ जाओ मतलब चाइल्ड कम ही सो so, <coughs> वहाँ वहाँ एक शेड का एरिया था तो इसीलिए उसकी मम्मा ने उसे बुलाया था कि अब फुटपाथ पे नहीं अब शेड के नीचे हम चलेंगे ताकि हमें धूप ना लगे तो जब वो शेड के अंदर एंटर करता है तो उसके उस बॉय के ऊपर फ्लावर्स की, की ना जैसे बारिश होती है क्योंकि स्प्रिंग सीजन था तो आ, सब चीज़ें मतलब गिर रही थी तो उसके ऊपर यंग फ्लावर जैसे जो ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं ना वो गिर रहे थे तो वो बॉय बॉय उस उन फ्लावर से फैसिनेट हो गया और जब वो उनसे फैसिनेट हो गया तो उ, उसने उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया लेकिन उसने जब कलेक्ट किया उसने जब ऊपर देखा तो उसने क्या देखा उसने भीड़ देखी उसने भीड़ देखी लोगों को बोलते हुए दा मतलब क्या कहते हैं खरीदते हुए खाते हुए कुछ लोग चल रहे थे वो मेन वर गंग एंड वर वॉकिंग वर टेकिंग स्विंग्स और कुछ लोग खा रहे थे मतलब मस्ती भरा माहौल देखा तो इसका मतलब क्या था वो बॉय मेले में एंटर कर चुका था तब तो देखते हैं कि मेले में उसे क्या क्या दिखा क्या क्या मिला देखते हैं कि क्या बॉय की फैसिनेशन पूरी होती है या नहीं तो चाइल्ड वाज एक्चुअली फैसिनेटेड बिकॉज उसको लग रहा था कि मैं कैसे दुनिया में एंटर करने लगा हूँ so, सो देखते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ स्वीट्स हैं तो जब वो एंटर करा मेले के तो उसे स्वीट्स दिखी तो उसने पापा से कहा कि जैसे वहाँ पे गुलाब जामुन थे रसगुल्ले थे और जलेबियाँ थी और बर्फ़ी थी तो वहाँ पे उसकी जो फेवरेट मिठाई थी वो क्या थी बर्फ़ी तो उस बॉय ने क्या बोला कि मुझे बर्फ़ी चाहिए लेकिन उस लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया थोड़ी देर तक तो फिर उसने रिप्लाई की इच्छा छोड़ ही दी उसने कहा मिलनी तो अब है नहीं तो इसीलिए उसने सोचा ही नहीं वो आगे मूव ऑन कर दिया कि मेरे को पहले भी इन्होंने कहा था लेकिन अब मैंने बोल दिया है और उस चाइल्ड ने बड़े धीमी सी आवाज़ में बोला ताकि कहीं डांट भी ना पड़ जाए उसे तो वो इतना डरा हुआ था लेकिन उसे जो चीज़ें फैसिनेट कर रही थी वो आप नोट करते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि चाइल्ड वाज़ फैसिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स या फिर एम सी फॉर्म में आ सकते हैं कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं देन व्हाट हैपन अ फ्लावर सेलर हॉग अ गार्ड ऑफ गुलमोहर अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर द चाइल्ड सीम इंस्टेंसिबली ड्रॉन सो गुलमोहर फ्लावर्स क्या होते हैं बेसिकली ये वाले फ्लावर्स सो so, वो चाइल्ड इन फ्लावर्स से फैसिनेट हो गया तो उसने ममर किया मतलब धीमी आवाज में बोला कि मॉम आई वॉन्ट दीज फ्लावर्स बट उसने ये सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि पापा ममा कहेंगे ये चीप है ये नहीं लेंगे हम तो इसीलिए उसने इसकी भी उम्मीद छोड़ दी आगे वो गया उसने उसको क्या मिला उसको एक बलून सेलर मिला उसके पास रेनबो कलर के बेलून्स थे रेनबो कलर ऑफ बेलूस मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे कलर्स के सुंदर सुंदर बेलून्स थे और वो उन बलून से फैसिनेट हो गया तो जब वो उन बलून से फैसिनेट हो गया तो उसने उसने फिर धीमी आवाज़ में बोला कि Uh, मुझे ये बलून्स चाहिए द चाइल्ड वॉज सिंपली फैसिनेटेड बाय द रेड येलो ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट ऑब्वियसली एनी चाइल्ड वुड बी फैसिनेटेड बाय द कलर्सर और द कलरफुल थिंग्स बट क्या हुआ कि उसने ये uh, सोच के छोड़ दिया कि मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वो इस चीज इन चीजों के लिए बहुत बड़ा हो चुका था उसके बाद उसे क्या मिल दिखा एक स्नेक चैम्बर सॉरी चैम्बर सो so, स्नेक चार्मर क्या कर रहा था जो स्नेक चार्मर था ही स्ट प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोलाइड इट्सल्फ इन अ बास्केट इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ अन लाइक like, जैसे एक स्वैन की नेक होती है ना वैसे वो अपनी नेक को हिला रहा था जो स्नेक था उसके बाद क्या हुआ वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू द इनविजिबल इयर्स लाइक जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वॉटरफॉल द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिटन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड प्रोसीडेड फर्दर तो उसने प्रोसी उसने जो स्ने जो स्नेक चार था उसको भी आगे पार कर दिया तो उसके बाद उसे क्या मिला सो वेन द चाइल्ड मूव फर्दर देर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वो कैरिड अवे इन अ विलिंग मोशन श्री एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर द चाइल्ड वॉज देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट वो वैसे तो ममर कर रहा था लेकिन द राउंड अबाउट स्विंग को देखने के बाद उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट बोली आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट प्लीज मदर एंड फादर बट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ही रियलाइज दैट देर वॉज नो रिप्लाई ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स एंड देर नॉर्थ मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड था वो गुम हो चुका था अपने पेरेंट्स से सो so, क्या हुआ जब वो गुम हो गया वो इधर उधर भागने लगा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ आए वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा लेकिन देर वॉज नो साइन ऑफ इज पेरेंट्स वो हर एक स्टेप पे हर एक इंच पे जब भी चलता था ही वॉज़ आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स ही वॉज़ आस्किंग फॉर हिज मदर ही वॉज़ आस्किंग फॉर हिज फादर और इस चक्कर में उसके जो क्लोथ्स थे और जो उसकी टर्बन थी टर्बन उसकी खुल गई थी और जो उसके क्लोथ्स थे वो मडी हो गए थे मतलब उसमें कीचड़ लग गया था तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक जो व्यक्ति था वहाँ पे जो खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा था या फिर चिल कर रहा था उसने इस बच्चे को रोते हुए देखा तो उसको इस पर दया आ गई तो उसने इसे चुप करवाने के लिए क्या पूछा कि बेटा आपके ममा पापा कौन है आप किसके बेटा हो ये सुन के कि मेरे मम्मा पापा कौन है उस चाइल्ड को अपने मम्मा पापा की ज़्यादा याद आ गई और वो और रोने लग गया वो और रोने लग गया वो ना रोए इसीलिए उस आदमी ने क्या कहा वो आदमी उसे कहाँ लेकर गया वो आदमी उसे स्नेक चार्मर के पास लेकर गया कि देखो कितने अच्छी फ्लूट बजा रहा है वो देखो हाउ इज ही डांसिंग तो वो जो चाइल्ड था लेकिन लेकिन वो चाइल्ड ने क्या किया उसने उस अंकल को सुनना बंद कर दिया उसने अपने ईयर्स को अपने हैंड्स की जो फिंगर्स थी उनसे बंद कर कर लिया और एक ही बात बोली कि आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर सो जो इंसान था वो जो आ, व्यक्ति था वहां पे, वो उसे फिर बलून सेलर के पास लेकर गया तो उसने कहा कि तुम्हें कौन सा बलून चाहिए कौन सा फेवरेट कलर है तुम्हारा तो लेकिन उस चाइल्ड ने क्या कहा आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर उसने ये जो चीज़ थी वो और शाउट होके बोली और मतलब गुस्से में बोली कि मेरे को मेरे मम्मी पापा पास ले जाओ और फिर जब वो उस जब वो व्यक्ति उसे गार्लेंस वाले चीज के पास लेकर गया तो उसने कहा कि आप ही सुंदर सुंदर गार्लेंस ले लो लुक हाउ ब्यूटिफुल दे आर लेकिन उस चाइल्ड ने क्या बोला आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर उसके बाद जब वो उन्हें स्वीट शॉप पे लेकर गया तब उस चाइल्ड ने क्या बोला आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर इन्हीं सब चीजों के लिए वो चाइल्ड कब से रो रहा था कि मुझे स्विंग चाहिए मुझे स्नेक चार्मर को सुनना है मुझे बलून्स लेने हैं मुझे स्वीट्स लेनी है मुझे खाना है लेकिन जब उसके मम्मा पापा चले गए तो उसे ये सब में से कुछ भी नहीं चाहिए था एंड अकॉर्डिंग टू द एन सी आर टी बुक ऑफ क्लास नाइन्थ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि वो वो इंसान जो बच्चे को चीज़ों से फैसिनेट करना चाहता था आ, वो उसे यही बताता रह जाता है कि ये ले लो ये ले लो या फिर ये खा लो वो खेल लो लेकिन उस चाइल्ड ने सिर्फ और सिर्फ रोते हुए यही कहा आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर तो यही एंड है स्टोरी का एंड या yeah, Also, this is the end of our video. but before going, I would like to give you the solutions of the NCRT questions which are given in in the book. So these are the questions. You can just simply pause the video and take the answers. I actually made notes for you and then I have copy pasted them over here. I hope this will help and if you more if you want more explanations like this, please comment in the comment section below. And thank you for watching this video. This was all for today. Hope you enjoyed. Please like, share, and subscribe. Bye bye. Thank you.